हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सानवी के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज मैं ना सुपर टेस्टी एकदम चटपटा सा चटनी का रेसिपी मैं शेयर करूंगी। तो इसे मैं बनाने वाली हूं केले के छिलके से। ये हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए, फ़ायदे के साथ साथ चटाकेदार भी बनाने वाले हैं हम इसे। जैसे देखिए, मैंने एक भगोने में पानी बैठा कर इसे उबाल लिया है, अच्छे से उबालने बैठा दिया है बोले सॉरी। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 2 से 4 मैंने हरी मिर्च ले लिया था, तोड़ लिया उसे, और लहसुन है, अदरक है, थोड़ा सा धनिया, और ये इमली है। तो इन सबको, इन सब के साथ ही मैं चटनी बनाने वाली हूँ। तो इधर देखिए, मैंने छिलके को निकाल लिया था और इसे मैश कर दिखा रही थी, तो बहुत ही गर्म था, और देखिए बहुत ही अच्छे से ये उबल चुका था। तो अब इसे मैं छोटा छोटा टुकड़ा में इसे कट लगा लूँगी, जिससे कि आसानी से मिक्सर जार में मतलब आ जाए और इसे पीसने में भी आराम रहेगा। तो चलिए, इसको मिक्सर जार में हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने निकाल लिया है और इन सबको इसमें ले लेंगे, केला के जितना छिलका था सारा, और यहाँ पर जो ये मिर्ची और धनिया निकाल कर रखे थे, इन सबको भी हम इसमें ले लेंगे। धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक और ये इमली का पल्प जो था, इसको ले लेंगे। और इसमें हम काला नमक लेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी और चटाकेदार बनता है। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा बस पानी ले लिया है और इसे एकदम बारीक सा पेस्ट हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसे बना लिया है पेस्ट। ये देखिए बहुत ही बारीक एकदम पीस लिया है मैंने। इसे एक बॉल में हम निकाल लेंगे सारे चटनी को। इसे आप चाहे तो इसे ऊपर से तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें तेल का कोई भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा चटनी बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारा ये रेसिपी थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।